Hello dear students, welcome back to my channel. In this series of lecture, we have already started with signals and system and digital signal processing together. We have already covered the topic like signals, we have covered this classification of signals, and also we have covered the operations on signal. If you have not seen those videos, please refer to the playlist of DSP and signals and system that I have already made in my channel, and please see all those lectures. Today we will be starting with system and system properties. So students, first of all, what is a system? So as I have already told you about signals, ki signals kya hote hain? Signals are those thing, we can say any function which changes with respect to another variable, ठीक है, like time or space or anything. In case of DSP or signals and system, हम जो signals लेते हैं they generally changes with respect to time. Okay, so I have already told you कि signals जो हैं वो change हैं, है ना. We are not talking about क्या change हो रहा है ना, but we are talking about change. But ये change किस वजह से हो रहा है, जो वजह है जिसकी वजह से चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं सिस्टम. ओके, और इन अदर वर्ड्स अगर हम बोले तो सिस्टम इज़ यूज्ड टू प्रोसेस अ सिग्नल. ठीक है, तो अगर हम इसको बात करें मैथमेटिकली या हम उसको बोले कि सिंबॉलिकली, तो वी कैन से एक हमारा जो सिस्टम होता है उसमें एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा. इनपुट में हम एक सिग्नल को डालेंगे और सिस्टम में कुछ प्रोसेसिंग होगी. प्रोसेसिंग अलग अलग टाइप की हो सकती है, लाइक हो सकता है कि हमारा सिग्नल सिस्टम जो है वो फिल्टर कर रहा हो सिग्नल को, हो सकता है हमारा जो सिस्टम हो वो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट कर रहा हो या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट कर रहा हो. तो हमारा यहाँ पे एक इनपुट सिग्नल होगा और फिर जो हमको आउटपुट इसका मिलेगा वो आउटपुट सिग्नल होगा. जनरली अगर हम बात करते हैं एनालॉग सिग्नल्स की तो हम इनपुट सिग्नल को x ऑफ t से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम बात करते हैं डिस्क्रीट सिग्नल्स की तो हम इनपुट सिग्नल को x ऑफ n से डिनोट करते हैं और आउटपुट सिग्नल को हम y ऑफ t और y ऑफ n से डिनोट करते हैं रिस्पेक्टिवली. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिस्टम. अब सिस्टम की भी जो होती है स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉपर्टी होती है. सिस्टम जो होते हैं वो डिफाइंड होते हैं और सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. या हम ये भी बोल सकते हैं कि सिस्टम को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं कि किस किस टाइप के सिग्नल सिस्टम होते हैं, जैसे हमने सिग्नल्स को क्लासीफाई किया था. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सबसे पहली बात जो होती है दैट इज़ स्टैटिक सिस्टम. ठीक है, अब स्टैटिक सिस्टम क्या होता है? सी, सम सिस्टम्स हैव फीडबैक एंड सम डू नॉट. दोज विच डू नॉट हैव फीडबैक सिस्टम्स, देयर आउटपुट डिपेंड्स ओनली अपॉन द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ द इनपुट. ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे जो सिस्टम होते हैं, हमारे जो सिस्टम्स होते हैं उसमें हमारे सिस्टम जैसे क्या होगा कि एक वो इनपुट वैल्यू को यूज़ करेगा. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा सिस्टम है. ठीक है, यहाँ पे हमारा इनपुट गया. ठीक है, और ये हमारा आउटपुट आ गया. बट कुछ ऐसे भी सिस्टम होते होंगे कि जो हमारा पास्ट इनपुट है, मतलब ये जो है एक्स, अभी हमारा अगर प्रेजेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है वो टी है, तो कुछ देर पहले हमारा जो पास्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा वो होगा टी माइनस वन. तो जो सिस्टम जो है वो टी माइनस वन पे नहीं डिपेंड करते हैं, सिर्फ प्रेजेंट टाइम पे डिपेंड करते हैं, उस सिस्टम को हम स्टैटिक सिस्टम कहते हैं. ठीक है, सो इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द प्रेजेंट इनपुट वैल्यूज. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पास्ट इनपुट वैल्यूज और फ्यूचर इनपुट वैल्यूज. तो इनको हम बोलते हैं स्टैटिक सिस्टम. तो फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दिया है, y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t प्लस x ऑफ t माइनस वन. x ऑफ t माइनस वन यानी ये पास्ट इनपुट वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है. तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? नॉन स्टैटिक सिस्टम. दिस इज नॉट अ स्टैटिक सिस्टम. ओके, सो हियर x ऑफ t इज द प्रेजेंट वैल्यू. इट हैज़ नो रिलेशनशिप विद द पास्ट वैल्यूज ऑफ द टाइम. सो ये जो पर्टिकुलर हमारा पार्ट है इस सिस्टम का वो तो हमारा स्टैटिक है. बट when we see the second part, that is x of t minus 1 is the past value, so it is not static. And therefore, whole आपका जो yt है, this is not static. Okay, so this was about static signal. Static signal के और भी हम example अभी देख सकते हैं. For example, अगर मैं बोलूँ y of t is equals to x of 2t. Okay, अब if we substitute t is equals to 2
है ना, अगर हम t इज इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट करते तब तो सिंपल है, y ऑफ जीरो विल बी इज इक्वल टू x ऑफ जीरो, तो ये प्रेजेंट वैल्यू पे ही डिपेंड कर रहा है। बट हमेशा हम सिर्फ जीरो को सब्सटीट्यूट ना करके देखें स्टूडेंट्स, हम और भी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके देखें। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं वन सब्सटीट्यूट करती हूँ तो y ऑफ वन विल बी इक्वल टू x ऑफ टू, है ना, t की वैल्यू अगर हम वन रखते हैं तो टू इन टू वन विल बी टू। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये स्टैटिक नहीं है, क्योंकि स्टैटिक सिस्टम वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। ओके, एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसका कि y ऑफ t इज इक्वल टू साइन ऑफ x ऑफ t। ओके, तो अब क्या है यहाँ पे हमारा जो साइन की रेंज है, है ना, साइन की रेंज है वो माइनस वन से वन है, तो हम x ऑफ t की वैल्यू चाहे कुछ भी रखें यहाँ पे हमारी जो वैल्यू जो होगी वो माइनस वन से वन आएगी। सो वॉट एवर वैल्यू वी सब्सटीट्यूट फॉर x ऑफ t वी विल गेट बिटवीन माइनस वन टू वन, देयरफॉर वी कैन से इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर और पास्ट वैल्यू, है ना। यहाँ पे अभी हम x ऑफ t ही x ऑफ t प्लस वन तो हम बात कर नहीं रहे, तो ये कोई भी फ्यूचर या पास्ट वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिक सिस्टम। ओके, सो अब हमने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया है स्टैटिक सिस्टम के लिए। पहला कंक्लूजन क्या होगा हमारा कि एनी सिस्टम हैविंग टाइम शिफ्टिंग इज नॉट स्टैटिक। टाइम शिफ्टिंग स्टूडेंट्स में ऑपरेशन ऑफ सिग्नल्स में ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो कोई भी सिस्टम में अगर टाइम शिफ्टिंग है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस वन, तो ये जो है टाइम शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पे, तो दिस इज नॉट स्टैटिक। अगर किसी में भी एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग है, एनी सिस्टम हैविंग एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग इज ऑल्सो नॉट स्टैटिक, ठीक है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अगर हो रहा है किसी भी सिस्टम में, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट स्टैटिक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, आप लोग चाहें तो उसको नोट कर लें। आप जब भी मेरा लेक्चर पढ़ने मतलब देखने बैठते हैं तो प्लीज़ एक कॉपी पेन रखा करें, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती रहती हूँ। सो अगर हमें पता करना है कि कोई पर्टिकुलर सिस्टम अगर आपको दिया हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड आउट वेदर द गिवन सिस्टम इज स्टैटिक और नॉट, तो आप उसमें देख सकते हैं अगर टाइम शिफ्टिंग दिया हुआ है उसमें तो दैट इज़ नॉट स्टैटिक, अगर एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग है तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट स्टैटिक, और इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन है तो भी वो हमारा स्टैटिक नहीं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज़ डायनेमिक सिस्टम। अब डायनेमिक सिस्टम क्या होते हैं, जैसे कि हमने देखा स्टैटिक सिस्टम वो होते हैं जो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, तो डायनेमिक सिस्टम वो होते हैं जो पास्ट और फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इफ़ अ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द पास्ट फ्यूचर एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ द सिग्नल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, देन इट इज़ नोन एज डायनेमिक सिस्टम, ठीक है। तो अनलाइक स्टैटिक सिस्टम देयर आर नॉट मेमोरीलेस सिस्टम, मतलब अब क्या है कि स्टैटिक सिस्टम में क्योंकि हमको सिर्फ प्रेजेंट इनपुट की ज़रूरत थी, तो उसमें हमें मेमोरी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो हमने प्रेजेंट इनपुट डाला उसको हमें कहीं सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट जब हम डायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं तो डायनेमिक सिस्टम में हमको फ्यूचर वैल्यूज़ रखती है, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू के लिए हमको वैल्यूज़ को सेव करने की ज़रूरत है, पास्ट वैल्यू के लिए हमको वैल्यू की सेव करने के लिए ज़रूरत है, इसलिए हमको यहाँ पे मेमोरी रखना होगा। इसलिए हम स्टैटिक सिस्टम को मेमोरी लेस सिस्टम भी बोलते हैं और डायनेमिक सिस्टम को सिस्टम विथ मेमोरी भी बोलते हैं। ओके, अब अगर इसके हम एग्जाम्पल देखें तो एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे शो कर रखा है वाई टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी प्लस वन, ये फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है इसलिए इट इज़ क्लियरली डायनेमिक। ओके, अब इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं स्टूडेंट कि y of t इज इक्वल्स टू रियल वैल्यू ऑफ x of t, तो आपको ये जो रियल फंक्शन होता है उसकी वैल्यू मैं आपको बता दूँ। रियल फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं x of t प्लस x of t का कन्वल्यूशन कॉन्जुगेट अपॉन टू, सो नो डिपेंडेंसी ऑन द फ्यूचर वैल्यू। रियल वैल्यू का जो है ये हमारा फॉर्मूला है, तो अगर हम देखें तो इसमें कोई इसकी वैल्यू जो है फ्यूचर पे डिपेंड नहीं कर रही है, नो डिपेंडेंसी ऑन द फ्यूचर वैल्यू और पास्ट वैल्यू, सो दिस इज नॉट अ डायनेमिक सिस्टम बल्कि ये स्टैटिक सिस्टम है। ओके, सिमिलरली अगर आपको बोला जाए एक और क्वेश्चन कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू इवन ऑफ x t, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इवन कंपोनेंट निकालना सिखाया था जब मैंने ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स मतलब जब मैं सिग्नल्स के टाइप आपको बता रही थी, इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल के बारे में हमने पढ़ा था। तो इवन कंपोनेंट को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी बाय टू। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं टी को अगर हम वन रखते हैं तो एक्स ऑफ टी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स ऑफ माइनस वन, यानी ये पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। माइनस वन जो है वो क्लियरली पास्ट वैल्यू है हमारी, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो सिस्टम है वो डायनेमिक सिस्टम है, ठीक है। तो अगर हम डायनेमिक सिस्टम के लिए अगर हम कुछ कंक्लूजन बताना चाहें तो क्या होगा कि अगर हमारी टाइम शिफ्टिंग है सिस्टम में
तब क्या होगा हमारा सिस्टम, हमारा सिस्टम जो है वो डायनेमिक होगा। और अगर टाइम स्केलिंग है तब भी हमारा सिस्टम जो है वो डायनेमिक होगा, और इंटीग्रेशन और वो है तब भी हमारा सिस्टम डायनेमिक होगा। यानी जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ स्टैटिक के लिए देखी थी उसकी जो उल्टी प्रॉपर्टीज़ है वो हमारी डायनेमिक सिस्टम में आएंगी। ओके, तो यहाँ पे हमने आज जो है अभी इस लेक्चर में डायनेमिक सिस्टम और स्टैटिक सिस्टम को कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल सिस्टम, एंटी कॉजल सिस्टम और जो लीनियर सिस्टम और जो टाइम इनवेरिएंट और वेरिएंट सिस्टम है उनको कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट ऑन दिस वीडियो और यू कैन मेल मी ईमेल, माई ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।